गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। सो गाइज, अभी मैं घर में हूँ और अभी ठीक टाइम क्या बजे वाला 6:30 बजने वाले हैं और मैं उठ चुकी हूँ। मेरी मम्मी पहले ही उठ के चली गई है बाहर। भाई मम्मियाँ तो मम्मियाँ होती है, उन्हें तो नींद नहीं आती। मैं तो अभी जस्ट उठी हूँ गाइज। अम्मा गाइज, मुझे देख के डरना मत आप लोग। सो अभी मैं उठ चुकी हूँ और अब फ्रेश होने के बाद मैं शुरू करने आज के अपना दिन का प्रोग्राम जो भी होगा। सो आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिए और देखिए मेरी आज की एक्टिविटीज़। सो गाइज, मैं अपने रसोई घर में पहुंच चुकी हूँ और अभी तक मुझे यहाँ पर आग जलाने को है और इसी के साथ झाड़ू भी लगाने को है। सो गाइज, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर झाड़ू लगाऊंगी और आग जलाऊंगी, उसके बाद हाथ मुँह धोकर क्या बोलते हैं रोटी बनाऊंगी। सो आज मेरे ब्लॉग में बने रहना आप, क्योंकि आज मैं आपको पूरी घर की प्रक्रिया दिखाने वाली। तभी तो मैं घर नहीं आती गाइस, कस से कुमाई कुमाई कर पतरोड़ा बनाए रख दे। हाँ, सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग माय टाइम आई स्टार्टेड टू लगाइंग द झाड़ू एंड ऑल्सो जलाइंग द आग। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ। सो गाइस, फाइनली मेरी आग जल चुकी है और झाड़ू मैंने लगा दिया है। तो अब बारी है हाथ मुंह धोने की, ताकि मैं रोटियां बना सकूं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वैसे मैं मैक्सिमम मक्की की रोटी ही बनाती थी, पर आज हे भगवान, आज तो मुझे सिर्फ ओनली सिर्फ केवल तैयार गेहूं की रोटी बनानी पड़ेगी। कण के री आज तभी मैं तौड़े तौड़े बनाए रख रहा ना था, कुखड़ी रोटी बनाने बड़ा टाइम लगता। सो गाइज, क्या करूँ, अब जल्द जल्द जाती हूँ, अपना मुँह धो लेती हूँ हाथ भी, और उसके बाद बनाती हूँ चपातियाँ। सो गाइज, मैं हाथ मुँह धो के आ चुकी हूँ, फ्रेश हो चुकी हूँ और अब मैंने चपाती बनानी है। और आप देख सकते हैं आटा ऑलरेडी मैंने केवल देरा में हिंदी माना इंदा बोना मतलब छान लिया, मतलब समझ जाना ना, आटा मैंने ले लिया है। और इसी के साथ अब इसको मैंने गूंदना, फिर जो कि बोलते हैं रोटी बनानी, उसके बाद तो सार दिख दे गाइस। एक्चुअली ना मेरी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है, मुझे पहाड़ी आती बोलनी, क्योंकि मेरे को ना पहाड़ी बोल बोल के मतलब आदत पड़ चुकी है, इसलिए मैं हिंदी के बीच में अपने वर्ड यूज़ कर देती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और इंग्लिश तो भाई क्या बात बोलूँ, इतनी अच्छी आती है मुझे कि आती नहीं। सो अच्छा गाइस, मैं स्टार्ट करती हूँ आटा को गूंथने का काम और फिर बनाती हूँ चपातियाँ। गाइज देख सकते हैं, अब चपाती बनाने का काम मेरा स्टार्ट हो चुका है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब मैं चंबा अपने स्क्वाटर में रहती हूँ तो हम लोग गैस पर ही रोटी बनाते हैं, चूल्हे की आदत थोड़ी कम भी नहीं बोल सकते, क्योंकि अब गांव के बचपन की आदत है। तो ठीक है गाइज, आई थिंक रोटी उतनी गोल नहीं बन रही होगी, तो प्लीज आप लोग कमेंट में ऐसा दो ना कि रोटी इतनी गोल नहीं है। अभी बच्चा हूँ थोड़ी, तो बस खुशखबरी ये है कि मक्की की रोटी नहीं है, शुक्र है। सब फटाफट मैं बना लेती हूँ गाइस चपातियाँ और उसके बाद शुरू भी करना है अपना दिन का अगला कार्यक्रम। सो गाइस, फाइनली मैं चपाती बना चुकी हूँ और मेरी मम्मी भी आ गई है और अब हम दोनों खाना खाएंगे और उसके बाद स्टार्ट करेंगे जैसे मैंने आपको बताया है आज का कार्यक्रम। आज के कार्यक्रम बहुत स्पेशल होने वाला है गाइस, तो ब्लॉग पूरा देखिए, मिस कर दिए तो आपकी फूर्ती के साथ प्लीज बने रहिए पूरे ब्लॉग के साथ। सो गाइज, अभी मैं खाना खुना खा के बना के सब कुछ कर बैठी हूँ, अब जाना है हमने आज खेतों में काम करने। तो स्पेशली आज के मेरे ब्लॉग में आप देखेंगे कि किस तरह हम खेतों का काम करते हैं। आपको बता दूं कि अब तो तुझे पता ही है कि बाण बाणा टाइम चले आया, छाबी छुबी करना लग पड़ा वे ताजे छाबी करना गाना तो दिख। और उससे पहले मुझे अपने बालों को कंघी करनी पड़ेगी, थोड़ा मुँह का मेकअप। सो गाइज स्टार्ट करते हैं, उतना ज़्यादा नहीं करेंगे, थोड़ी सी क्रीम लगा लेते हैं सॉफ्ट, ताकि क्या बोलते हैं यार, थोड़ी मिट्टी से बचना, तो क्या यार, इस मिट्टी में ही पले बड़े हम, बट थोड़े थोड़े कर लेते हैं। टिन 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 टिन, हाय क्रीम की खुशबू बहुत सुंदर है गाइस। क्रीम लगा कुछ फर्क पड़ा? ये होगा कि चलो सूरज थोड़ी प्रोटेक्शन हो जाएगी, क्योंकि आज खेतों में काम करना है, बाकी चलो ठीक है। ओके गाइस, बाकी घर में आपको पता है सिंपली रहना पड़ेगा, बस थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं यार। माय फेवरेट क्या है, क्या बोलते हैं, वैसलीन। सो गाइस वैसलीन, क्योंकि यहाँ पर बहुत ठंड है, मैं आपको बता दूँ यहाँ पर बर्फ है बाहर, तो वैसलीन लगाना तो बनता ही है गाइज। बाकी जब मेकअप हम नहीं करते, थोड़ी सी लिपस्टिक लगाएंगे।
तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता सो गाइस लेट स्टिक भी हाँ गई। और इसके बाद माय फेवरेट क्या बोलते हैं यार, टिक्का, वो तो आपको पता है मेरा रोज का मेरे को है। अब गाइस वैसे घर में तो मेरा सस्ते नहीं है बट फिर मैं थोड़ा थोड़ा लगाती हूँ, ये लग गया मेरा टिक्का। और प्लीज यहाँ पर लाइटिंग बहुत पड़ी है मेरे ऊपर, मेरी गोरी गोरी आ रही यार। और थोड़ा मेन हाँ थोड़ा सा आईब्रो ब्लैक कर लेते हैं क्योंकि क्या पता वहाँ पर मुझे अच्छी लोकेशन मिल जाए तो मैं वहाँ पर वीडियो बनाने लग पड़ूँ। और इतने ज़्यादा मेकअप करने तो कौन बैठे हुए, पर वैसे गाइस मैं मेकअप नहीं करती हूँ ज़्यादा, जो मेकअप की ऐड वगैरह करने तो भी करती हूँ, अदरवाइज मैं सिंपल ही रहती हूँ, मुझे सिंपल रहना बहुत पसंद है। बस मेकअप तब गमता है मुझे जब उसकी ज़रूरत होती है, थोड़ी उनको कंगी कर लेते हैं अब। सो गाइस फाइनली मेरा वो तो हो चुका है, थोड़ा बालों को बना लेते हैं गाइस। सो गाइस मैंने अपने बाल की पोनी कर ली है, सो अब प्रॉपर तरह से मैं तैयार हो चुकी हूँ। बट आपको बता दें कोई वीडियो के लिए नहीं थे तो मैं काम करने के हमें तैयार होना पड़ता है, देखो आजकल की पीढ़ी तभी तो जा रही है नरक की ओर। और इसी के साथ बालों को थोड़ा मैं बांध लेती हूँ बिकॉज मिट्टी में काम करना है। तो ओ माई गॉड ये वो मुंजोने का वाला सीन हो रहा है, हाँ ये क्या हुआ। सो गाइस फिलहाल ब्लॉग तक यही रखता, मैं रेडी हो चुकी हूँ, मैंने काम करने जाना है। सो अब चलो आगे क्योंकि लाइट तो ऐसी करेगी, बिकॉज यहाँ पर चुड़ैल आ चुकी गई, इससे पहले चुड़ैल मुझे कुछ करे मुझे चल पड़ेगा, बाय। सो गाइस टाइम बज चुके हैं 10 और धूप निकल आई है मेरे घर पर। तो अब क्या बताया था जैसे आपको कि खेतों में काम करने जाना, तो मैं जा रही हूँ और यह है मेरा हथियार। गाइस आपकी जानकारी के लिए बता दूँ आज मुझे अकेले खेतों में काम करना पड़ेगा बिकॉज मेरी मम्मी ग्रंटी ध्यान लाना की छोरी और मेरा भाई रेडकाट लैंड गांव में गया हुआ है घूमने के लिए। सो गाइस कोशिश करूँगी कि पूरी बगड़ी को कंप्लीट कर दूँ, बट इतना तो मुझे पता पूरी नहीं होगी, थोड़ी होगी, पर चलो जितना हो सकता है उतने थोड़ा हेल्प कर देती हूँ मम्मी की, बाकी तो क्या। सो गाइस अब मैं जा रही हूँ खेतों में काम करने के लिए, पता नहीं क्या होगा। सो गाइस फाइनली मैं पहुँच चुकी हूँ अपने खेत के पास, इतना बड़ा खेत है गाइस, इतना ज़्यादा तो नहीं कर पाऊँगी मैं, थोड़ा जैसा करूँगी जितना मुझसे हो पाएगा बिकॉज मुझे पूरे दिन इस खेत में नहीं लगना है, सिर्फ 2 घंटे का काम करना है, उसके बाद मुझे घर जाके अपने गायों को भी छोड़ना है चराने के लिए कि करना बच्चू अकेले आ जाऊँ पूरे घर जिम्मेदारी में पूरा। सो फाइनली गाइज 2 घंटे हो गए कंप्लीट, अब मुझे घर जाना है गायों को छोड़ने। मैं दिखाती हूँ गाइज मैंने अकेले क्या तरक्की की है, मतलब कितनी छुनछाबी की है, सो आपको दिखाती हूँ मैं एक बार। सो गाइज आज की मेरी प्रोग्रेस देखिए आप, कि सारी छाबी मैंने की है अकेले, भाई मैं तो मैं है ना फिर ही। और यहाँ से स्टार्ट किया था गाइज मैंने, और आई होप मम्मी मुझसे इम्प्रेस हो जाए क्योंकि मैंने 2 घंटे में इतनी ज़्यादा छाबी कर ली। सो गाइज अब मैं घर जा रही हूँ, गाइज ये है मेरा घर आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, ये मेरा घर है, यहाँ पर देखो चाचू और मेरे भाई बैठे हुए हैं, और ये मेरी ग्वाड़, अब इतने जाना मैं डंगरा जो छड़ने, सो लेट्स गो। सो गाइज अब मैं आ चुकी हूँ अपनी गौशाला और अब मैंने जाना है गायों को लेकर चराने के लिए। तो सोच रही हूँ ब्लॉग ख़त्म कर दूँ, बट यार चलो थोड़ा सा आपको दिखा भी देती हूँ कि कहाँ लेके जाऊँगी मैंने। सबसे पहले तो मुझे इन्हें छोड़ना होगा बाहर, अच्छा पहले तो मैं आपको अंदर दिखाती अपनी एंट्री लेती अंदर। फूलों से तेरी, देखो मुझे अंदर एंट्री करते कौन मिली, देखो इसको भागने की जल्दी है बाहर जाने की जल्दी, ये तेरे कैमरे फेमस है ना तू भी, चुड़ैल 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 चुड़ैल। आ इसी के साथ अंदर और कौन है भाई, कौन हो आप,
हेलो हाय, देखो भाई इनको सभी को बाहर जाने जल्दी, तुझे भी आए जल्दी, ड्यूटी ड्यूटी, बड्डी नहीं आए। अरे पीछे मेरी सारी प्यारे प्यारे बकरियां और भेड़ू, और इसी के साथ में अंदर जाती हुई, हाँ कौन कौन मिलेगा भाई मेरी लाइफ में, इनसे मिलिए। ये हमारी काड़ो जो कि बहुत गुस्से में रहती है, इसलिए इससे जब दूरी बना कर रखते हो, और इनसे मिलिए भाई। शी इज़ माई फेवरेट कौ, बट ओनली शी इज़ नॉट ऑल्सो शी इज़ और कोई गई। बच्चों मेरी इंग्लिश बड़ी ज़रा ख़राब आ, देख 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 देख, ये बड़ी चौड़ी हूँ पता, बड़ी ज़्यादा चौड़ी हूँ ऐसे तो मैं उस पंगली से भाई कुछ कम नहीं, मेरे जिस वीडियो में भी अरे बस बस सिंगला टकरा दिन दिया, सिंगते रहे ना जैसे रहे ना दिन दिन टकरा है जैसे रहे नहीं इधर है धीरे धीरे पंगे तो रहे होंगे छाटने में ना मुँह ऐने मन दी भाई सब जितुड़ा कर ले। और इसी के साथ मेरी लास्ट और बछड़ी इंट्रोड्यूसर करवा दी थी, ये भी डरती बहुत है, ये चुड़ैल डरती बहुत है। सो गाइज अभी मैं किरण फेंकने जा रही हूँ खेतों में, और आपके लिए जानकारी के लिए बता दूँ मुझसे भारी तो ये किरण है। माय गॉड यार, इससे मेरा वजन तो आधा मुझे लगता है, ये मेरे वजन से भी ज़्यादा है, इससे आधा भी मेरा वजन नहीं होगा। हाँ ये मम्मी ये बड़ी वो है यार, इतने ज़्यादा गोबर भर देती है, किसने पहुँचाना होता है, गरीब बच्चे प्राण कड़ने माँ का। हाँ सो गाइज जैसे मैंने गायों को छोड़ दिया तो घर में तो कोई है नहीं, इसलिए गाय के साथ ही मैं और घर का काम मुझे ही करना पड़ रहा है। सो अभी मैं गोबर उठाऊंगी गाइज, और उसके बाद गाय के साथ जाऊंगी। मुझे 10 मिनट लगेगी, तब तक तो मेरी खैर गाय यहाँ से हिलेगी भी नहीं, और उसके बाद इनको लेके जाना है मुझे जंगल में। सो ना विदाउट वेस्टिंग माई टाइम स्टार्ट करती हूँ गोबर उठाना। गाइज गोबर में उठा बैठी हूँ, और अब गायों के साथ जाती हूँ। और क्या, बाकी एक किरड़ मैंने फेंक दी है, दूसरे किरड़ अब खुद फेंकते खान देना चोर। गाइस अब मैं चल पड़ी हूँ अपने गायों को लेकर, यहाँ देखो इस ड्रामे बाज का ड्रामा। हाँ हाँ इधर आज 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 देख 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 डर डर डर, मैं बता दूँ आपको इसके आगे बकरी चली हुई है, पर फिर भी इसका ड्रामा देखो, इधर इधर ड्रामा खोर ड्रामे बाज, ये बहुत ड्रामे बाज है, ये बहुत ज्यादा बहुत जोर। चल अगर मैं दिखाती हूँ, अच्छा इससे कितनी दूर पर थी, ठीक है बकरियाँ देखो बिल्कुल सब नज़दीक है, बट ये फिर भी रोने की एक्टिंग में सबसे माहिर है। हाँ बट हाँ इसकी मम्मी आगे है ना तब। सो गाइज ये है मेरी गाय, और ये है सारी मेरी बकरियाँ जिनको लेके आज जा रही हूँ मैं चराने। बहुत टाइम बाद इनसे हुई है मेरी मुलाकात। चला चला अभी चल पे आ पिंगे बग्गी, चल चले चल देखते आज कहाँ ले जाते हैं कुछ रहने में। चले चल चल। सो गाइज इनको चराने की जगह मैं पहुँच चुकी हूँ, अब ये सारे चरेंगे और मैं कहीं एकांत में जाकर स्टडी करूँगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ धूप बहुत तेज है यार, पता नहीं आज मेरा क्या होगा, और आज मैं क्या करूँगी, वैसे बोरिंग सिस्टम है, पढ़ूंगी भी तो कितना पढ़ूँ, एक दो घंटे ज़्यादा नेटवर्क इधर होगा नहीं, फ़ोन में चला नहीं पाऊँगी। सो गाइस को से अभी मुझे अपनी लाइफ पता कैसे लग रही है, मीनिंगलेस। मतलब क्या है यार, किस लाइफ है, सिग्नल भी नहीं है इधर, सिग्नल होता ना काश तो पूरा 1.5 GB डाटा ख़त्म ना कर दे तो मेरा नाम पूजा नहीं। चलो क्या कर सकते हैं, बचपन ऐसे बीता है, अब थोड़े बड़े हो गए तो क्या करना, नेटवर्क की ज़्यादा आदत पड़ चुकी है। सो गाइज अब मैं कहीं बैठ जाती हूँ, सिग्नल तो है नहीं इधर, इनको ही देखने का काम है आज मुझे, और थोड़ा बहुत पढ़ूंगी, बाकी मैं सो जाऊंगी भाई। सोने में तो फिर मैंने MA कर रखी है कसम से, मैं तो बचपन से ही सो जाती, अब भी सोऊंगी यार, अभी अपने बचपन की लाइफ याद आ रही है।
कसम से गाइस, मैं आपको बता दूं, बर्फ भी है मेरे पीछे, वो देखिए, दिख रही है आपको? देखो वो पीछे, और इसी के साथ वहाँ पर भी बर्फ है। बर्फ खाने जाती हूँ, है ना? और क्या करना यार मैंने, अब ये तो चलते रहेंगे, जाती हूँ मैं बर्फ खाने। सो गाइस, देख सकते हैं आप, मेरी बकरियाँ और मेरी गाय यहाँ पहुँच चुके हैं, और कितने प्यारे लग रहे हैं ना सभी साथ में। सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं बर्फ खाने जा रही हूँ, और बहुत मुश्किलों के बाद मैं फाइनली बर्फ के पास पहुँच ही गई। अब मैं खाऊंगी बर्फ, आप देख सकते हैं मेरे पीछे है बर्फ, और मैं खाऊंगी अभी बर्फ। और आप भी गाइस, काश आप लोग मेरे साथ होते तो मैं आपको भी खिलाती। पहले तो मैं इसको ऊपर का हिस्सा साफ करूंगी, है ना, और उसके बाद बीच में से निकालूंगी बर्फ। वाओ यार, व्हाट इज, पहले बर्फ के पास पहुंच ही गई मैं। गाइस, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम गवालों की लाइफ बेकार है। बोलो क्यों यार, पानी के लिए इतने दूर आना पड़ता है। आपको बता दूं, कहाँ मेरी गाय और कहाँ मुझे पानी पीने के लिए आना पड़ रहा है, बिकॉज जंगलों में बहुत दूर दूर पानी होता है। सो अभी मैं यहाँ आई हूँ। वाह यार, भगवान का शुक्र है। अब देख रहे हैं हम गाँव वालों का इंतजाम कैसा होता है। अब देख सकते हैं, ये है पानी का नलका, और फाइनली मैं पहुँच चुकी हूँ पानी के पास। हाय माँ, अज्जर झाड़ी कटना बड़ी मुश्किल है, वो बड़ी ज़्यादा। तो गाइस, मैं पानी पी लेती हूँ अब। हाय, क्या मीठा पानी है कसम से, काश तो सही पी पाते। सो गाइस, अब टाइम हो चुका है कि मैं अपनी गाय को ले जाऊँ और बकरियों को घर। सो आज का मेरा ब्लॉग इतना ही था, और नेक्स्ट ब्लॉग के लिए मुझे फॉलो कर लीजिए प्लीज़, अगर नहीं किया है तो ठीक है गाइस, आज का ब्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना, ओके?